जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि अभी हमारे देश में चारों तरफ चर्चा बनी हुई है आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात की जा रही है। तो ये आर्टिकल भी आपका उसी से संबंधित है और इसमें लेकिन महात्मा गांधी के विचार क्या थे, किस विचारधारा क्या थी उनकी, गांधीवादी सिद्धांत क्या है, उससे जोड़कर इसमें देखा गया है। तो चलिए इस आर्टिकल को देखते हैं हम लोग। और एक बात और याद रखिए, आज हम लोग किसी के ऊपर भी दोष मढ़ देते हैं, गांधी नेहरू पर चाहे विवेकानंद हो, किसी भी भगत सिंह को कभी नहीं छोड़ते हैं हम लोग, किसी किसी को हर किसी को नीचा दिखाने की बात करते हैं। तो याद रखिए उनकी जगह हम लोग शायद कभी नहीं ले सकते हैं। और अभी आपने देखा है कि प्रशांत भूषण का केस आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, अभी अवमानना का लेकर उनने जो टिप्पणी की हुई थी जो मुख्य न्यायाधीश है उनके ऊपर, या फिर इस लॉकडाउन के टाइम तो उनसे उनकी सजा 22 तारीख को यानी कि 20 अगस्त को क्लियर होनी थी कि जो भी उन्हें सजा मिलती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप मान लीजिए कि आपने गलती की है और आपको इससे सजा से बचाया जा सकता है। तो उन्होंने एक शब्द कहा है, एक समय आपने गांधी के बारे में सुना होगा, गांधी जी ने भी यही कहा था कि मैं अपनी दया की भीख नहीं मांगूंगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो किया वो सही किया और मैं अपनी गलती को कभी नहीं मानूंगा, मेरी गलती नहीं है। और उन्होंने एक शब्द और दोहराया कि वो आज तो लोग कह रहे होंगे शायद कि मैंने टिप्पणी की गरीबों को लेकर, बोलने को लेकर, लेकिन इतिहास जब लिखा जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आज प्राचीन काल भी हम देखते हैं, मध्यकाल भी देखते हैं, आधुनिक काल भी देखते हैं, सभी इतिहास लिखा गया है जब से हमारी संस्कृति हमारा भारत ने जन्म लिया, तो एक समय हमारा भी इतिहास लिखा जाएगा। आज हम लोग जो भी कर रहे हैं तो उस समय सोचिए कि गांधी को आप जितनी गाली देते हैं उससे दुगनी हम लोगों पर गाली पड़ेगी। कहा जाएगा कि एक जिंदा लाशें बन के देख रही हुई थी, वो पूरा देश चरमरा रहा था। यानी कि अगर कोई सच भी बोल देता है तो उस पर भी उसे या तो सजा दे दी जाती है, और ये अंग्रेजों के समय भी हुआ करता था ऐसा। तो आप ये मत सोचिए कि आपके ही टाइम हो रहा है, लेकिन ये है कि हम लोग 100 150 साल, कोई हो सकता है कि महान हो तो 500 साल जी जाए, लेकिन मरने के मरता देखिए हर कोई है। यहाँ हमारा ना तो आपका स्थाई है ना ही हमारा यहाँ स्थाई घर, तो आज शायद हो सकता है कि किसी और की मौत है, कल हमारी मौत है, इस तरह से सबका ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन इतिहास किस रूप में हमें याद रखता है ये इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जीवन देखिए 100 साल 200 साल रहता है, लेकिन इतिहास हजारों साल लिखा जाता है, हजारों साल बना रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी तब तक इतिहास रहेगा। तो गांधी या फिर किसी को आप लोग गाली देने से पहले कम से कम उनके बारे में देख लीजिए। मेरा उद्देश्य इसीलिए यही था कि सभी आपके प्राचीन काल से सभी राजाओं महाराजाओं के बारे में बायोग्राफी कवर की है, उनकी जिंदगी को कवर किया गया है, उसमें आप लोग देखिए उसे, फिर आप लोग उन्हें अपनी जगह, आप उनकी जगह अपने आप को रखिए, फिर देखिए कि आप गलत थे, गांधी जी थे या कौन थे। ठीक है, तो इस तरह की कमेंट देने से कम पढ़ा लिखा मुझे लगता है वर्क होना चाहिए। और आज हम लोग फ्रांस से अगर रफेल मंगाए जाते हैं, 5 रफेल जैसे ही आए हमने देखा कि सोशल मीडिया पर दुनिया भर का खुशी मनाई जा रही है। देखिए खुशी हमें तब मनानी चाहिए जब हमारे देश में रफेल से तगड़े विमान बन रहे होंगे, जब दुनिया हमसे डर रही होगी। आज आप सोचिए कि अगर 5 रफेल खरीदने से चाइना और पाकिस्तान डर जाएगा तो फ्रांस से तो पूरी दुनिया को डरना चाहिए, क्योंकि फ्रांस तो बना रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है आप लोग देखते हैं। तो ये खुशी होने की कोई बात नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि हम वही है कि हम खुद कुछ नहीं कर पा रहे, दूसरे को खरीद के कुछ भी करवा रहे हैं। तो खुद करो, मुझे लगता है तब हमें इस तरह की खुशियां मनानी चाहिए। अब वही है कि बाप की दम पर आपने कुछ भी झंडे गाड़ दिए, आप फोटो खींचिए, फिर चाहे 4 व्हीलर में घूमिए या कुछ भी करिए, ऐसा करिए, बाप की दम पर कर रहे हो, तुमने क्या उखाड़ा है, ये मायने रखता है, ये मायने नहीं रखता है कि तुम बाप ने क्या तुम्हें लेके दे दिया है, बाप ने तुम्हारे लिए क्या छोड़ दिया है, क्या साम्राज्य बनाया हुआ है, ये कभी मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ा है, समझ रहे हैं। चलिए खैर छोड़िए, अभी जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है एक तरह से मतलब शेयर करने का, लाइक शेयर, कुछ भी जानकारी आती है हम बिना मतलब पढ़े लिखे। अभी मैं झांसी का कुछ देख रहा था, यूपी में पड़ता है, झांसी जिला है, आपने देखा होगा बुंदेलखंड, वहां किसी पार्क में एक मतलब देखा होगा आपने कि एक अपने आप मशीन चल रही थी, तो वहां बताया गया कि यहाँ भूत, फिर किसी ने बोल दिया भगवान है, किसी ने बोल दिया
कोई और है। लेकिन हकीकत और मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पर इतने तेजी से फॉरवर्ड हो रहा था, ट्रेंडिंग कर रहा था इतने तेजी से, लेकिन हकीकत किसी पत्रकार ने वहां जाकर देखा, उस मशीन को एक बार चला देते थे तो वो कई टाइम तक चलती रहती थी, कुछ इसमें खराबी आ चुकी थी इस तरह की। तो इस तरह की हम लोग हकीकत बिना जाने पहचाने मान लेते हैं उस हकीकत को। खैर छोड़िए, जब तक देखिए खुद निर्भर नहीं हो जाते हैं, तो दूसरे देश को खरीदने से हम लोग मतलब खुशी मनाने का कोई मुझे लगता है कि कारण भी नहीं बनता है। समझ रहे हैं, मौजूदा समय में आत्मनिर्भरता की चर्चा पूरे देश में है तथा महात्मा गांधी आधुनिक इतिहास से आत्मनिर्भरता के प्रमुख पक्षकारों में से एक थे। और याद रखिए, गांधी हो या फिर गांधी जी कोई भी नेता हो, स्वतंत्रता सेनानी, हम उनकी जगह कभी नहीं ले सकते, हमारी औकात कभी नहीं होगी। और इस समय जो जिंदा लाश बनकर हम लोग जी रहे हैं, हम लोग देश को बदलना तो चाह रहे हैं, देश को मतलब देश में नई नई क्रांति हो, लेकिन हम खुद नहीं आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली संभाल लिया और कुछ अच्छी सुविधाएं भी दे दी है, तो उसकी चर्चा हर कोई कर रहा है, लेकिन उसके रास्ते पर कोई नहीं चल रहा है। अभी देखा जाता है कि कभी आप लोग भगत सिंह का बर्थडे मनाते हैं, कभी आप लोग विवेकानंद साहब का, कभी गांधी जी का, कभी नेहरू का, कभी आपने देखा होगा मदर टेरेसा का। तो बर्थडे बनाने से क्या फर्क पड़ रहा है, मत मनाइए, उनकी विचारधारा पर चलिए, तब तो मुझे लगता है कि वो खुश रहते होंगे। हम जाके मंदिर में हाथ जोड़ते हैं और सब लोग कहते हैं कि भगवान सब कुछ देख रहा है, उसके बाद भी हम बदमाशी कर रहे हैं, तो भगवान देख रहा है तो क्या आप लोगों को लगता है वो माफ करेगा आपको? या तो आप मान लीजिए कि भगवान नहीं है, भगवान कुछ नहीं देख रहा है, आप किसी को भी मारिए काटिए कुछ भी करिए फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपने ये धारणा बना ली है कि भगवान कोई नहीं देख रहा है हम जो भी पाप कर रहे हैं। अगर देख रहा है ऊपर से भगवान, तो मुझे लगता है, और आप इसे मानते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ज्यादा सजा मिलनी हुई मिलेगी। हो सकता है कि आपके पास पैसा है तो आप अभी रोब सॉब में अपनी जिंदगी निकाल दें, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि जहां पैसा काम नहीं करेगा, और अगर आप स्वर्ग नरक में कोई भरोसा रखते हैं तो भी आप और अच्छी तरह की तरीके से समझ सकते हैं कि भगवान मुझे नहीं लगता है कि माफ करेगा ऐसे लोगों को। अभी कभी कल ही परसों किसी इतिहासकार के बारे में पढ़ रहा था, उनसे बात भी की, पता है उन्होंने बोला कि हजारों हमारे यहाँ आक्रमण हुए, मुस्लिमों ने आक्रमण किए, आपने देखा है अंग्रेजों ने आक्रमण किए, कई और लोगों ने आक्रमण किए, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति को कोई ठेस नहीं पहुंचा पाया, कोई खत्म नहीं कर पाया। हजारों साल से हमारी संस्कृति चली आ रही, और चली आ रही थी 1947 के बाद जब हम आजाद हुए, और इन कुछ सालों में आप देखिए हमारी संस्कृति को कितनी बुरी तरह से प्रभावित किया गया है। उनका कहना था कि हम मतलब अगर बर्बाद हो रहे हैं, हम मिट रहे हैं, अगर हम खत्म भी हो रहे हैं किसी भी कारण से, तो खुद जिम्मेदार हैं उसके लिए। और हमारे ही कुछ नेताओं ने और अपने मतलब के लिए कुछ मूवियों ने, बॉलीवुड मूवियों ने हमारी संस्कृति को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया हुआ है, ये हकीकत है। हमने देखा है अभी युवा नेता, सम्राट नेता, ए नेता, वो नेता, पता नहीं कितने तरह के नेता बना दिए हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में अगर मैं वोट डालने जाऊं अपने क्षेत्र से, तो मैं अकेला मतदाता होगा, और सभी नेता हमारे तरफ इस तरह के नेता बन चुके हैं। यानी कि बेरोजगारी का नाम एक तरह से नेता जोड़ दिया है कि अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नेता बन जाइए, युवा नेता बन जाइए, ए नेता बन जाइए। अभी किसी ने 2 ही 3 पहले दिन बताया भी था मैंने, किसी बच्ची ने मतलब किसी स्टूडेंट ने अपनी ही फैमिली के किसी मेंबर ने मैसेज किया हुआ था फेसबुक पेज पर कि हमारे यहाँ के एक जो युवा नेता है, युवा नेता सम्राट महामंत्री पता नहीं प्रधानमंत्री, वो जाकर कन्या पाठशाला के सामने मतलब कहीं ऐसे इस तरह की कन्याओं के लिए अलग मतलब बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय रहता है, तो वहां जाकर उन बच्चियों को परेशान करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब तुम नेता बने हुए हो तो ये तुम्हारी विचारधारा कैसे हो सकती है कि मतलब उस कुत्ते से बुरी हालत है कि जिसके चलते लोग रास्ता बदल देते हैं। तो लड़कियों के साथ मतलब ये नेता हो तुम, तुम्हें तो दूसरी की जो भी सामने वाली लड़की है उसके सम्मान भी करना चाहिए, मर्यादा में आपको रहना चाहिए, लेकिन आपकी वजह से लड़कियां रास्ते बदल रही हैं। मैंने भी अपनी जिंदगी में ऐसे कई लोगों को देखा है कि भाभी नेता बन चुके हैं, दुष्कर्मी, जो भी डकैत,
जो भी इस तरह की बात कर सकते हैं। आज भी तो आप लोग देख रहे हैं सांसद, फिर चाहे आपके विधायक हो कोई भी हो, कहा जा रहा है कि आप देख सकते हैं आधे से अधिक लोग, हमारी सांसद हो या फिर विधानसभा हो, कहीं भी आप देखते हैं कि दुष्कर्मी, डकैत, मर्डर किए हुए, बलात्कारी, इस तरह के नेता बने हुए हैं। और अगर इस तरह के नेता बनते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारा देश कितना विकास कर सकता है। इस बात को मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये दोनों हमारे देश में फ्री होनी चाहिए बिल्कुल तरह से। इससे ना तो कोई गरीब छूटे और ना ही पढ़ने से कोई गरीब छूटे पढ़ाई से, तब हम लोग तरक्की कर पाएंगे। हम लोग कई योजनाएं ला रहे हैं, कई कानून ला रहे हैं, तो इससे हम आत्मनिर्भर कहाँ बन पाएंगे, आप ही सोचिए। आप चलिए एक योजना ला रहे हैं, 5 मेंबर को गरीब घर में रह रहा है, उसे चलिए 10 किलो अनाज दे दिया आपने, क्या उखाड़ोगे? उसकी आने वाली पीढ़ी गरीब ही पैदा होगी, गरीबी में है जिए। ऐसा काम कर सकते हैं कि उसके परिवार के किसी मेंबर को आप लोग पढ़ाइए लिखाइए, स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए, वो खुद नौकरी पा लेता है, खुद अपने पैर पर खड़ा हो जाता है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको उसकी मदद करनी पड़े। और हो सकता है कि आपके देश की तरक्की में भी वो अपना योगदान जरूर देगा। तो मैं शिक्षा आधार है आत्मनिर्भरता का। हमें पूरे देश में शिक्षा इस तरह की व्यवस्था लानी होगी कि हमारी जो भी हमारे यहाँ जो भी सामान बना रहे हैं हम लोग, आपको कई बार बता भी चुका हूँ प्रैक्टिकली कि हमारे देश में 4 फोन बिक रहे हैं, तो उसमें से हम देखते हैं कि 3 फोन चाइनीज कंपनियों के रहते हैं। और हम करते हैं बात आत्मनिर्भर भारत की, हम बात करते हैं वाइकॉट चाइना की। देखिए, तभी हम लोग इसे सक्षम बना सकते हैं, सक्सेस बना सकते हैं, जब हमारी देश की जनता के पास दूसरा विकल्प होगा। मान लीजिए कि हम रोक देते हैं, चलिए फोन चाइनीज फोन मत खरीदिए, बोल देंगे हम लोग, लेकिन उनके पास दूसरा विकल्प तो होना चाहिए। दूसरा विकल्प ही नहीं होगा तो कैसे वो, ये संभव नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं आप लोग? तो उतना सस्ता फोन हमें दूसरा कंपनी कोई भी इस तरह की सुविधा हो जाए, विकल्प रहेगा तो जनता भी हमारी समझेगी और देशभक्ति दिखाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि देशभक्ति दिखाने के चक्कर में लोग मोबाइल खरीदना बंद कर दें, इतने भी हम लोग जिम्मेदार नहीं है, समझ रहे हैं? और कोई भी देश इतना मुझे नहीं लगता है कि कर सकता है कि हम आत्मनिर्भरता और अपनी देशभक्ति के चक्कर में किसी दूसरा फोन रखना बंद कर दें, खाना बंद कर दें, समझ रहे हैं आप लोग? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी आधुनिक इतिहास में आत्मनिर्भर निर्भरता के विचार के शुरुआती विस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विकास का सुस्पष्ट और वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। एक ओर जरा उन्होंने स्थानीय क्षेत्र के प्रति झुकाव और जमीनी स्तर पर प्रतिभागिता, स्थानीय समुदाय की भूमिका और समुदाय के भीतर उत्पादन सृजन, सभी की जरूरतें पूरी करने की उसकी क्षमता, चिरस्थायी जीवन यापन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए, वहीं दूसरी तरफ अपने रचनात्मक कार्यक्रम 1941 में प्रस्तुत किया। उन्होंने सत्य और अहिंसा के बल पर और प्रत्येक इकाई की स्वतंत्रता के साथ पूर्ण स्वराज हेतु देश को सशक्त किया। आप सोचिए कि गांधी जी का ही योगदान कह सकते हैं आप लोग कि हमें पंचायतें मिली हुई हैं, समझ रहे हैं आप लोग? ग्राम पंचायत हो गया, फिर चाहे आपका कोई भी पंचायत, इस तरह की व्यवस्था हुई। अगर गांधी जी 1948 में ना उनकी मौत होती, उन्हें गोली ना मारी गई होती, तो याद रखिए उसी समय आप सोचिए कि हमारी संविधान में जगह मिल जाती पंचायतों को, जो आपने देखा है कि 1993-94 में जाकर जगह मिली संविधान में। और गांधी जी हर किसी के भागीदारी थे, मतलब देश की तरक्की में हर किसी को साथ लेने की बात करते थे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि गरीब बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। कोरोना से पहले भी तो आपने देखा है कि कितनी मतलब बीमारियां आती हैं, एक गांव के गांव को उजाड़ देती हैं, गरीबों को भुखमरी क्या बीमारी से कम है, लाखों लोग मारे जाते हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए कोरोना महामारी पर कुछ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इससे बड़े घर प्रभावित हुए हैं, यानी कि बड़े लोग प्रभावित हुए हैं। और आप जानते हैं कि गरीबों से ज्यादा कीमत बड़े आदमियों की जरंदा होती है। अगर कोई सास किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, तो आपने देखा है कि बड़े घर में हुआ बच्चा, वो प्रेगनेंट है, या उसने ये कपड़े पहने, उसने ये खाया, वो ऐसा खाता है, वो ऐसा पैंट पहनता है। और एक गरीब घर में अगर रोटी नहीं है, तो उसके यहाँ नहीं दिखाने जाएंगे मीडिया वाले, कोई नहीं दिखाएगा। तो ये असमानता है, इसे जब तक भर नहीं देते हम लोग, तब तक हम लोग किसी देश की तरह बराबरी नहीं कर सकते। अमेरिका से बात बराबरी की बात करते हैं हम लोग, चीन से बराबरी की बात करते हैं, लेकिन हमें उस स्थिति में पहुंचना तो होगा, तब तो हम बराबरी कर सकते हैं।
आज आपसे बता भी चुका हूं कई बार कि अमेरिका में उन लोगों को गरीब कहते हैं जिनके पास कम से कम 25 से 30 लाख की गाड़ी घूमने के लिए नहीं है। और हमारे यहाँ गरीब उस व्यक्ति को कहते हैं जो जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कितना भेदभाव है, कितना खाई है ये हमारे यहाँ उनके बीच। तो इस खाई को जब तक खत्म नहीं करते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आरक्षण खत्म करने की बात की जाती है, कई लोग फेसबुक पर इस तरह के मैसेज चलते रहते हैं। हाँ, आरक्षण उस समय खत्म हो सकता है जब आप सोचिए कि आप BIP स्कूल में पढ़ रहे हैं और कोई जो झुग्गी झोपड़ी में पढ़ रहा है, उस समय खत्म नहीं होगा। उसे भी आप लोग BIP स्कूल में पढ़ाइए, उसे भी स्वास्थ्य व्यवस्था दीजिए और आप अपने साथ में रखिए, उसके बाद हो सकता है आरक्षण खत्म। लेकिन जब तक हम लोग उन्हें समानता और बराबरी का हक नहीं देते हैं, तब तक बेवकूफी के लिए आप समझ सकते हैं कि हाँ, बेवकूफ लोगों के लिए जो दिमाग नहीं लगाते हैं, जो किसी और की सोच से चलते हैं। अधिकतर लोगों को आप देखते हैं कि कहा जाता है कि 90-95% तक लोग अभी इस समय किसी और की सोच पर निर्भर है। उसने जैसा लिखा फेसबुक पर, कोई मैसेज डाला और बिना सोचे, हमने बिना दिमाग लगाए कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है, ये हकीकत है या नहीं है, हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। और दिन भर यही काम है हम लोगों को, फेसबुक चलाना। सोशल मीडिया इसलिए आया हुआ था और अच्छा भी था कि अपनी मतलब आजाद कुछ भी अपने शब्द हैं उन्हें व्यक्त करिए, ना कि मतलब इस तरह की घृणा फैलाइए, आप लोग भेदभाव करिए, समझ रहे हैं आप लोग। खैर छोड़िए, वो कहा जाता है ना कि सोने वालों को जगाया जा सकता है, लेकिन जो जिंदा लाशें बन चुकी हो उन्हें जगाना मुश्किल है। प्रमुख गांधीवादी सिद्धांत तो आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण में सहायक होंगे। स्वराज, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी के अर्थव्यवस्था और राजनीति से संबंधित विचार उनके जीवन दर्शन में प्रबलता से परिलक्षित होते हैं। हिंद स्वराज उनकी शुरुआती पुस्तक है जो जीवन के बुनियादी पहलुओं में ग्रामीण समुदायों की आत्मनिर्भरता के बारे में उनकी परिकल्पना का वर्णन करती है। उनके अनुसार कोई व्यक्ति, कोई गांव, कोई देश केवल आत्मनिर्भर बनकर ही स्वतंत्र हो सकता है। यहाँ उनका किसी भी का हमारा इस समय, अगर उस समय की भी बात करूं तो उस समय परिस्थिति अलग थी, देखिए गांधी के समय, लेकिन आज की परिस्थिति अलग है। और आज अगर हम कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता भारत या आत्मनिर्भर भारत, तो यह हमारा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बाहरी देशों से हम पूरी तरह से व्यापार बंद कर दें। यानी कि ये कहने का मतलब है कि चलिए हम लोग 100 रुपये की चीज दूसरे देशों से खरीद रहे हैं, तो 100 रुपये की उसे बेच भी तो रहे हों। अब मालूम चला कि हम लोग 100 रुपये की बाहरी देशों से चीज खरीद रहे हैं और 5 रुपये की बेच रहे हैं उस देश को, तो 95 रुपये का घाटा तो देख रहे हैं। ये आत्मनिर्भर नहीं है, यानी कि बराबरी तो रहनी चाहिए आपके बीच। तो यही बात की जाती है यहाँ उनकी। आत्मनिर्भरता आत्मनियंत्रण और नैतिक विकास से संबंधित है, जो मस्तिष्क, शरीर और आत्मा के विकास के माध्यम से संभव है। सत्य, अहिंसा और अपरिग्रह या गैर अधिकार की भावना के आचरण में परिलक्षित होती है। कोई व्यक्ति इनका आचरण करके आत्मबल प्राप्त कर सकता है, या व्यक्तियों को अपनी इच्छाओं, भावनात्मक अतिरेक और अधिकतम लाभ पाने की प्रवृत्तियों को सीमित करने की दिशा में समर्थ बनाती है, जिससे सतत विकास भी संभव होता है, या किसी भी परिस्थिति में आत्मनिर्भरता प्रबल रहती है। स्थानीय शासन की बात करूं तो हिंद स्वराज पुस्तक का दूसरा आयाम स्थानीय शासन। हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। स्थानीय शासन और आर्थिक विकास के पहलुओं सहित आत्मनिर्भरता से संबंधित है। वह सहभागितापूर्ण शासन और वरीयता क्रम में ऊपरी एजेंसियों के साथ उसके उत्तरोत्तर संबंधों में विश्वास रखते हैं, जिससे दूरस्थ शासकीय निकाय के दूरदराज के नेटवर्क के स्थान पर एक निकटतम नेटवर्क की स्थापना की जा सके। उनका मानना था कि कोई देश केवल आत्मनिर्भर होकर ही स्वतंत्र हो सकता है, और इसकी शुरुआत गांवों के स्तर से स्थानीय स्तर पर उत्पादन और साथ ही साथ खपत करने से होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्वदेशी, उन्होंने गांव की आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से गांव में नई जान डालने की जरूरत पर बल दिया। इस विचार पर बल देते हुए उन्होंने लिखा है कि भारतीय गांव, भारतीय कस्बों और शहरों की जरूरतों की सभी चीजों का उत्पादन और आपूर्ति करते थे। भारत उस समय दरिद्र हो गया जब हमारे शहर विदेशी बाजार बन गए और विदेशी विदेशी से आई सस्ती और घटिया वस्तुओं को भरकर गांव को खोखला करने लगे। उनके विचार उनकी स्वदेशी की अवधारणा में भी परिलक्षित होते थे।
उन्होंने हमेशा गांव पर को ज्यादा ही महत्व दिया है गांव को, लेकिन हम आज देखते हैं कि गांव से शहरों की तरफ किस तरह से पलायन हो रहा है, गांव में रहना लोग कम पसंद कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि गांव में ही अगर शिक्षा दे दी जाए, स्वास्थ्य की व्यवस्था कर दी जाए, रोजगार की व्यवस्था कर दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग गांव से शहरों की तरफ जाएंगे, क्योंकि घर में ही रहना हर कोई काम करना पसंद करता है, लेकिन व्यवस्था नहीं है इसलिए घर छोड़कर बाहर लोग जाते हैं। अतः उन्होंने कृषि सहित आजीविका के लिए शिल्पों के माध्यम से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रस्ताव पेश किया। बुनाई और कताई पर व्यापक बल देते हुए उन्होंने ग्रामीणों के परंपरागत व्यवसाय रहे अन्य सभी प्रकार के शिल्पों पर जोर दिया और इस प्रकार उन्होंने शिल्पकार अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। इस संदर्भ में उन्होंने आधुनिक मशीनी सभ्यता के प्रति अपनी अरुचि भी व्यक्त की और उनका विश्वास था कि खपत केवल उन्हीं वस्तुओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए जिनका निर्माण मशीनों के बगैर किया जा सकता है। उनका विश्वास था कि श्रम बचाने के लिए मशीनें रखने का विचार परोपकारी की भावना नहीं है बल्कि लालच की भावना द्वारा निर्देशित होती है, जिसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है। और वह उद्योगों के खिलाफ नहीं थे बल्कि औद्योगिकरण के खिलाफ थे, जिसकी परिसंपत्ति धन इकट्ठा करने में होती है, जहां प्रेरक बल श्रम बचाना नहीं बल्कि लालच होता है। यहाँ इस बात को सीधा इस तरह से ले सकते हैं आप लोग कि आपने देखा है कि आपके यहाँ कोई पुल बनाने का काम चल रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में आ रही, या फिर कोई आप सोचिए कोई भी योजना चल रही है, वो योजना किस लिए लाई जाती है? इसलिए लाई जाती है कि जो भी वहां के रहने वाले हैं उन्हें रोजगार मिले। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि अधिकतर बार आप देखते हैं कि मशीनों का उपयोग करके हम लोग बहुत जल्दी उन्हें निर्माण कर देते हैं। मशीनों की इस तरह की मशीनों के वो खिलाफ थे कि अगर कोई आप तालाब के लिए आ रहा है, तालाब की बात की जा रही है, तो उनका मानना था कि तालाब मजदूरों को लगाकर तालाब बनाया जाए, ना कि आप समझ सकते हैं कि ना कि मशीनों द्वारा। लेकिन व्यवस्था आप बेहतर समझ रहे हैं क्या हाल है अभी। सरपंच आप क्या करते हैं कि कोई भी योजना इस तरह की आती है तो मजदूरों को लगाने की बजाय मशीन से काम करवा देते हैं, क्योंकि मशीन आप जानते हैं कि बहुत जल्दी काम कर देती है और कम खर्च भी आता है, और सरपंच आपको कमाने से मतलब है, जनता गई भाड़ में। तो मुझे लगता है कि इस तरह पर सुधार पर बल देना चाहिए सरकारों को। जो योजनाएं हैं उतनी काफी हमारे लिए, नई योजनाओं की हमें अभी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है पहले उन्हीं पुरानी योजनाओं को तो लागू करवा लेना चाहिए, अच्छे से बात कर लेनी चाहिए, हर तरह से भ्रष्टाचार खत्म करने चाहिए। आपने देखा है हमारे राजीव गांधी साहब प्रधानमंत्री, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ये लोग चिल्लाते रहे कि हम 1 रुपया ऊपर से भेज रहे हैं तो 12 रुपए से नीचे पहुंचता है, बीच में आप सोचिए कि बाकी का पैसा हड़प लिया जाता है, खा लिया जाता है, ये हाल है। आगे बात करते हैं रचनात्मक कार्यक्रम। उनके बाद के लेखन रचनात्मक कार्यक्रम विचारों पर और ज्यादा चिंतन किया गया। उनके विचार 1941 में लिखी गई पुस्तक में निहित थे, जिसके बाद उस विषय पर चर्चाओं और भाषणों की श्रृंखलाएं थी। उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम को सत्य और अहिंसा के साधनों के जरिए नस्ल रंग पंथ का भेद किए बिना प्रत्येक इकाई की स्वतंत्रता की पूर्ण स्वतंत्रता की है। आधुनिक युग में गांधीवादी आत्मनिर्भरता की प्रासंगिकता। गांधी जी का चिंतन भविष्यवादी था। उनके विचारों में आत्मनिर्भर गांव के बारे में कुछ विचारणीय और अत्यंत व्यवहारिक प्रस्ताव समाहित थे, जिनकी परिणति निम्नलिखित में होती है। गांव ऐसे मशीनों का उपयोग करते हुए उत्पादन की छोटी इकाइयां बन जाएंगे, जहां श्रमिकों का स्थान नहीं लिया जाएगा बल्कि श्रम में सुगमता प्रदान की जाएगी, और कारीगरों की अर्थव्यवस्था दम तोड़ते परंपरागत हस्तशिल्प की रक्षा होगी, जिससे जिसमें विश्व बाजार का सृजन करने का सामर्थ्य मौजूद है। यदि इस विचार का बेहतर ढंग से पालन किया जाता तो ऐसे में प्रवासी मजदूरों को वो संकट नहीं उठाने पड़ते जो उन्होंने कोरोना काल में उठाए। आपने देखा है कि किस तरह से त्राही मान हो गए, एक तरह से इतना गरीब प्रभावित हुआ है। आप समझिए कि मतलब नेता घर में बैठे रहे, अपना जनता रोड पर मरती रही, कटती रही। इस संकट शायद अगर हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों पर बल दिया होता हमारी सरकारों ने, तो आज हमें ये झेलना ना पड़ता। इसके लिए हम वही जिम्मेदार नहीं है, हम सब जिम्मेदार हैं बराबर, याद रखिए। उन्हें ही गाली नहीं पड़ेगी, उनसे ज्यादा हम लोगों को गाली पड़ेगी। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि हम जिस धर्म को मानते हैं, फिर चाहे कोई भी धर्म हमारा, उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा है कि हम चुप बैठ के, आप शांत बैठ के
तमाशा देखिए जिंदा लाशों की तरह। आज हम संगठन बनाते हैं, हम ये जाति का संगठन, वो जाति का संगठन, अलग अलग जातियों का। तो एक दूसरे की जाति से लड़ने के लिए मत बनाइए, कम से कम अच्छाई के लिए बनाइए, दूसरे की मदद के लिए बनाइए। मुझे लगता है तब हम आगे आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं और हमारा देश आगे भी बढ़ सकता है। अब जातियों से आप लोग लड़ते रहेंगे तो वो तो आप सोचिए कि 1947 वाला काम आ जाएगा, 1857 के करीब आप देखते हैं कि यही हाल था। इसलिए अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, हम लोग बटे हुए थे। आजीविका का सृजन करने के लिए कृषि और संबंधित क्रियाकलापों, कृषि आधारित और अन्य गैर कृषि गतिविधियों में नई जान डाली जाएगी। ऐसे आर्थिक क्रियाकलापों को सृजन जो भूमि पर निर्भर ना हो लेकिन फिर भी आजीविका उपलब्ध कराएंगे। कृषि में मौसम के मुताबिक होने वाली बेरोजगारी के कारण गांव से होने वाले पलायन पर रोक लगेगी। बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए संसाधनों के अतिशय इस्तेमाल के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले पारिस्थितिकीय प्रभावों और परिणाम स्वरूप होने वाले प्रदूषण में कमी लाएगी जाएगी और संसाधनों के संदर्भ में स्थानीय विशिष्ट वस्तुओं और परंपरागत ज्ञान का उपयोग हुआ। एक समय आप लोगों ने देखा होगा कि पर्यावरण पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, हम लोग पेड़ काटे जा रहे थे। और आपने देखा है कि किस तरह से कहते हैं ना कि हम लोगों को किसी की जिंदगी से खेलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब भगवान लाठी उठाता है वो भगवान हमारी जिंदगी से खेलना शुरू करता है तो हमें किसी लायक नहीं छोड़ता है। कई लोगों को ऐसे जानते भी होंगे कि जो हमेशा दूसरे के जिंदगियों से खेलना, दूसरे के दुख दुख देना या मार काट करना, वो कुछ टाइम के लिए उन्हें खुशी मिलती है लेकिन लास्ट टाइम में, लास्ट स्टेज पर आप जाकर उनसे मिलिए कभी, वो भी जाकर रात में बैठ के रोते हैं कि मैंने गलत किया, इसलिए मैं भी गलत हो रहा है मेरे साथ। तो आपसे हमेशा कहा गया है कि आप किसी की खुशियां उजाड़ के, शायद मुझे नहीं लगता है कि आप खुश रह पाएंगे। ठीक है आज आप खुश रह रहे हैं लेकिन ऐसा समय एक बार आएगा कि आपके पास शायद आपके पास मुझे लगता है कि चिल्लाने के लिए आवाज भी ना रहे, इतनी बुरी आपको सजा मिले। तो यही हम लोगों ने किया, पारिस्थितिकी पर्यावरण के बारे में हम लोगों ने कुछ नहीं सोचा। आज आप देख रहे हैं एक ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी इसी का परिणाम है, पर्यावरण के साथ जो हम लोगों ने नुकसान पहुंचाया है उसी का कारण है। तो ये भी देखने को आगे भी मिलेगा। आप भी तो देखते हैं कि सूखा पड़ रही है या फिर बाढ़ आ जाती है या फिर पानी नहीं बरसता है और हजारों लोग बाढ़ में तबाह हो जाते हैं या फिर सूखा में जिंदगी गुजरती है। आगे है नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली में और अपने जल स्रोतों के माध्यम से पानी में आत्मनिर्भरता लानी होगी। इसलिए गांव में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सेवाएं लेनी होगी और गांव और शहरों के बीच विकास संबंधी भेद और विषमताओं में कमी भी आएगी। यह गांधीवादी अवधारणा देश में सतत विकास की भावना को बढ़ाती है। कहीं ना कहीं रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से भेदभाव समाप्त करने की उनकी अवधारणा देश में नक्सलवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं को निस्तारित भी करती है। आगे की राय की बात करें तो निस्संदेह गांधीवादी आदर्श पर आधारित शासन से न सिर्फ राष्ट्र बल्कि संपूर्ण मानव जाति का कल्याण है। ये आदर्श सामाजिक आर्थिक न्याय के साथ साथ सही मायनों में आत्मनिर्भरता के पथ का प्रदर्शक भी करते हैं। आप देखिए गांधी जी ने हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों पर बल दिया है लेकिन हमारे देश में अभी देखिए हालत क्या बनी हुई है, आप समझ सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा की बात की जा रही है, डिजिटल भारत की बात की जा रही है, गांव की स्थिति अभी भी आप देख रहे हैं कि नेट नहीं है, कहीं कहीं तो आप देखेंगे कि लाइट की व्यवस्था नहीं है, बिजली सही टाइम पर नहीं आ रही है। तो आप समझिए कि अभी एमपी की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था अभी कुछ ही दिन पहले, वहां ऑनलाइन क्लासों की बात की जा रही थी तो उसमें देखा है कि 25 से 30% बच्चे ही उपस्थित हो पाए। आप समझ सकते हैं कि बाकी बच्चों के पास या तो सुविधा नहीं है, मोबाइल की सुविधा नहीं है या फिर किसी और तरह की प्रॉब्लम है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि वही लोग इसमें शामिल हो पाए हैं जिनके पास जो आर्थिक रूप से संपन्न है। तो ये स्थिति देखी जाती है। और आप लोग बायोग्राफी देख लिया करिएगा जिसके बारे में भी आपको लगे कि ये गलत था, तो बता चुका हूं सबके बारे में। और एक बात और याद रखिए, अगर फिर भी आपको देखने के बाद भी आपको घमंड लगता है और आपको लगता है कि नहीं आप सही हैं तो शायद आप सही हैं, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, आप जो भी अंधभक्ति है दिखा सकते हैं। दिल्ली को मैं कई दिनों से देख रहा था कि फ्री के लेने की आदत है, ऐसा करने की आदत है, वैसा करने की आदत है,
तो मैंने याद रखी है, मैंने भी उन लोगों को भी देखा है जो रईस हैं, उन्हें भी जियो की सिम फ्री में लेते हुए लाइन में लगा हुआ देखा है, समझ रहे हैं। तो ऐसा मत करिए कि फ्री में, फ्री का कौन सी बात की जा रही है, शिक्षा अगर कोई फ्री में दे रहा है, स्वास्थ्य की व्यवस्था फ्री में दे रहा है, रोजगार की बात ठीक कर रहा है, वो पानी बिजली इस तरह की व्यवस्थाएं कर रहा है, तो उसका वो तो कर्तव्य है, इसे ही तो नेता कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरा आपका सभी गृह मंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, बाकी राज्यों के सभी MLA देख सकते हैं, CM देख सकते हैं, सदस्य देख सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा सभी ने प्रचार किया दिल्ली में, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल को कोई हरा नहीं पाया। कितना भी गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी जनता के हिसाब से काफी उसने मदद की हुई है। और आज हम लोग उसके काम का जो भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, ये तो आने वाला इतिहास निकालेगा, ठीक है। 100 150 साल, देखिए हमारी जिंदगी 100 से 150 साल, हो सकता है कि आपकी जिंदगी, मैं कहता हूं 500 साल रहे, लेकिन इतिहास हजारों लाखों साल रहेगा। जब तक आपका धरती पर जीवन है तब तक इतिहास रहेगा, और आने वाली पीढ़ियां हमारे बारे में निष्कर्ष निकालेंगी कि हम सही थे या गलत थे, हम लोगों ने क्या उखाड़ा क्या पाया, वो देखा जाएगा। और कल का ठिकाना, अगर आपको लगता है कि हमारी जिंदगी स्थायी है, तो एक बार कोरोना महामारी को देख लीजिए, कई लोगों की सुबह भी नहीं हो पाई है, रात में ही लटक गए। तो हमारी जिंदगी एक, मतलब आप समझ सकते हैं कि बाल से भी कई गुने छोटे वायरस ने हमारी औकात याद दिला दी है कि हम स्थायी नहीं है, हम कभी भी धरती से निपट सकते हैं। तो अपना काम करिए, अपनी मतलब परिवार को ख्याल रखिए, अपने खुद पढ़िए, और अपने आने वाले जो भी बच्चे हैं उन्हें सही गलत का तो फैसला दिखाइए। अब उन्हें मालूम ही नहीं चल रहा है कि सही गलत क्या है, वो लगे हुए हैं, वो गलत रास्तों पर भटक जाते हैं। आप भी जो भी करेंगे वही तो करेगा। अभी किसी अमेरिकी लेखक था कोई इतिहासकार, इतिहासकारों को आप एक तरह से पागल भी कह सकते हैं तुम्हारी नजर में, क्योंकि वो अगर सही बताता है तो आपको लगेगा ये तो पुराने जमाने की बात कर रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो उसने कहा था कि, बताया उसने कि अगर बच्चे, बाप माँ बाप जो भी काम करते हैं परिवार के, वही बच्चों पर फर्क पड़ता है, ये हकीकत बात है। उसने बताया कि जो आप अगर घर में मोबाइल चला रहे हैं तो बच्चों में भी यही आदत डल जाएगी। आप किताब उठाकर देख लीजिए, आप जब भी उसका बच्चे का जन्म होता है, आप हमेशा से माँ या बाप जब भी आते हैं आप लोग घर में, तो एक किताब ले लीजिए, बच्चा भी किताब लेकर आदत डाल देगा और वो भी उसी रास्ते पर चलेगा, समझ रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले आर्टिकल, कोई ऐसा आर्टिकल आएगा बात करते रहेंगे। और याद रखिए, अगर आप सिविल सर्विस या किसी भी स्टेट की PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप बेहतर इन भक्तों से बेहतर तरीके होंगे। या भक्त कहने का मतलब मेरा बिल्कुल ये भी नहीं है कि मोदी सरकार या कांग्रेस सरकार या किसी अन्य सरकार की प्रति, भक्त का मतलब आपकी आंखें अंधी हो चुकी हैं, तो उनसे हमारी आपकी स्थिति ठीक है, और आपको एक पॉजिटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट का बैलेंस बनाना है, और इसी तरह आंसर लिखना है आपको। आपको किसी ना तो नेगेटिव पॉइंट लिख देना है ना एक पॉजिटिव पॉइंट लिख देना है, एकाएक एक पूरा बैलेंस बनाना है, और लास्ट में आप अपना निष्कर्ष लिख देना है, अपनी राय लिख देनी, और अपनी राय में भी वो पॉइंट शामिल कीजिए जो एक बैलेंस बनाते हो। ऐसा नहीं कि अपनी राय में आप प्रधानमंत्री साहब के बारे में कहा जा रहा है तो आप उनकी बुराई बुराई लिख दें या फिर अच्छाई लिख दें, एक बैलेंस बनाकर आपको लिखना है, मुझे लगता है तभी आंसर एक प्रभावकारी भी रहेगा, ठीक है।